बिहार सरकार की अगर माने तो बिहार में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन नीति आयोग ने जो सरकार को रिपोर्ट दिखाई है उससे ये पता होना चाहिए कि बिहार डेवलपमेंट के मामले में सबसे नीचे है। एसटीजी इंडिया इंडेक्स 2021 ने बीते गुरुवार को जारी किया रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार रैंकिंग ऑर्डर में सबसे नीचे है, यानी कि विकास के मामले में बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। इस मामले में अब तक किसी का भी बयान सामने नहीं आया था, लेकिन अब बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग का ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। बिहार का विकास नीति आयोग को क्यों नहीं दिख रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो सवाल बीजेपी विधायक ने उठाए हैं वो किसी कॉमेडी से कम नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिसने गलत रिपोर्ट बनाया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने इस रिपोर्ट को फिर से जांच करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये रिपोर्ट सिर्फ सुनी सुनाई बातों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, इसके अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी उन्होंने मांग की है कि इसकी जाँच हो। मतलब अब ये सरकार ही तय करेगी कि किस राज्य में कितना डेवलपमेंट हुआ है, और उसके बाद अब किसी भी तरह के रिपोर्ट कार्ड पर स्टैंप भी अब सरकार ही मारेगी। हमको लगता है पता नहीं किस तरह से नीति आयोग सर्वे किया है और या कागजी ज़्यादा है। हमको लगता है कि बिहार में जिस तरह से विकास हुआ है नीतीश जी के शासनकाल में, जो विकास हुआ है वो हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आज कोई रोड बचा हुआ नहीं है, चाहे ग्रामीण रोड हो या एस्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, पुल पुलिया कितना बड़ा, गंगा ब्रिज पर देखिए वो दीघा में पुल बन गया, कोयलवर में पुल बन गया, आपको अरवल में पुल बन गया उस नदी पे, सोन नदी पे, आपको मुंगेर में बड़ा ब्रिज मेगा ब्रिज बना, कोसी में बना, भागलपुर में बना, कितना काम ब्रिज बना है, कितना आवागमन सुलभ हो गया है। बिजली का क्षेत्र में एक बिजली कटता नहीं, अभी ट्रांसफार्मर बदलने का पहले महीना महीना दिन लगता था, अब हम शाम में मेरे एक क्षेत्र में ट्रांसफार्मर दो जगह ये हुआ, कल शाम में बोले आज ट्रांसफार्मर अभी लग रहा है, रात में बोले हैं सुबह ट्रांसफार्मर लग रहा है अभी। तो इस तरह का काम हर क्षेत्र में, सोशल ये पर जितना या जीविका वगैरह है, कितना एम्प्लॉयमेंट जीविका के माध्यम से कम आज हमको लगता है कि 24 लाख महिलाएं एम्प्लॉयड हो गई है, अपना ये कर रही है। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विकास ने अभी कितना, अभी शिक्षकों की बहाली हो रही है, 1,24,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो रोजगार का भी अवसर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोरोना में इतना अभी ये रहा है, कोरोना में वैक्सीनेशन में भी बहुत आगे रहा है, और यहाँ पॉजिटिव दर भी, कोरोना कंट्रोल भी कितना जल्दी हुआ, आज 1% से नीचे पॉजिटिव रेट हो गया कोरोना का, और एक्टिव केसेस बहुत कम हो गए, डेली मात्र अभी 900 केस अभी इधर निकल आ रहा है। तो मेरी वैक्सीनेशन बहुत अच्छा खासा हो गया, अभी मेरे ख्याल से करीब 1,17,00,000 वगैरह वैक्सीनेशन हो गया। तो इस तरह से, और नीतीश जी दिन भर मेहनत करके काम करते हैं, यहाँ NDA की सरकार अच्छा काम कर रही है, कहीं नीति आयोग में कहीं ना कहीं मिस अंडरस्टैंडिंग हो या धरातल पर नहीं सर्वे हुआ हो, कागजी सर्वे हुआ हो, ये हुआ है इस चलते, नहीं तो बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में अच्छा खासा विकास, आप लोग तो खुद घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, सब जगह अच्छा खासा विकास हुआ। कोई सर्वे नीति आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कोई फाइनेंस मिनिस्टर तो सर्वे करने आते नहीं हैं। अब उसमें कहीं ना कहीं वो जो दोष है, जो करते हैं नीचे लेवल के लोग, उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो या और कोई ठीक से नहीं किया हो, सुनी सुनी बात पर कर दिया हो, सर्वे करने नहीं गया हो, इस कोरोना ये पर धरातल पर सर्वे नहीं किया हो, कहीं ना कहीं गलती है। कोई इंटेंशनली, कोई भी केंद्र सरकार नहीं करेगी, कोई इंटेंशनली ये नहीं काम नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको लैप्सेस कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के चलते ऐसा हुआ है। कहा कि बिहार निचले पैदान पर हो और कई राज्य झारखंड और ये उसको आगे कर दिया है, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट वगैरह आगे कर दिया है। क्या नॉर्थ ईस्ट वगैरह में हम लोग नहीं गए घूमे, कितना क्या डेवलपमेंट है ये के सामने, उस सबको आगे कर दिया है। तो ये आश्चर्य लगता है, आश्चर्य लगता है, ये सबसे
लगता है ये करके, मान ले कोई बिहार का रहा, बिहार का भी रहता तीसरे पोजीशन पर, पांचवें पर ला देता था, वो समझ में बात समझ में आती है। और निचले पायदान पर लाया है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को आगे कर दिया है, झारखंड को आगे कर दिया है, जहाँ ये नहीं है, तो वो तो हास्यास्पद है। अब कौन रिपोर्ट करने वाले आदमी हैं, किस मानसिकता के हैं, हम नहीं कह सकते हैं, जो रिपोर्ट किए होंगे, सर्वे किए होंगे, अब को हम तो जानते नहीं कि कौन किए हैं, क्या किए हैं, उसके बारे में हम कैसे ये कर सकते हैं, तो भावना से किए हैं या जानबूझ के किए हैं या नेग्लिजेंस में किए हों, ये भी हो सकता है कि जानबूझ के नहीं किए हों, नेग्लिजेंस में किए हों, नहीं गए नहीं स्पॉट पर, अब रिपोर्ट दे दिए, ये भी हो सकता है गए नहीं रिपोर्ट दे दिए। रूप से अगर बिहार के साथ इस तरह का, बिहार के खिलाफ इस तरह का वातावरण बना रहा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए।